पंजाबियों ने एक चीज को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, वो है पराठी। कुछ भी हो घर में पराठे। मम्मी भूख लगी, पराठे खा ले। मैम मैं स्कूल में 12 साल टिफिन में पराठे लेकर गया। बच्चों को लगता था मैं ढाबे में ही रहता हूँ। मुझे पता ही नहीं था नाश्ते में पराठे के अलावा भी कुछ और होता है। वो तो मैंने एक दिन कॉलेज में रिया के साथ नाश्ता किया सर। तो रिया ने अपना लंच खोला, उसने बोला कि तुम क्या लाए हो? मैंने कहा भाई पराठे। मैंने कहा तुम कहती ब्रुशेटा। मैम उसका ब्रुशेटा सुन के मेरा पराठा फट गया। मेरा पराठा खुद टिफिन बॉक्स में वापस चला गया। एल्यूमिनियम फॉइल से लपेट रहा था खुद को, कह रहा ब्रुशेटा के सामने बाहर नहीं आऊंगा। तो अगली बार मम्मी ने पूछा क्या खाएगा, मैंने कहा ब्रुशेटा। मम्मी ने पंजाबियों ने एक चीज को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, वो है पराठी। कुछ भी हो घर में पराठे। मम्मी भूख लगी, पराठे खा ले। मैम मैं स्कूल में 12 साल टिफिन में पराठे लेकर गया। बच्चों को लगता था मैं ढाबे में ही रहता हूँ। मुझे पता ही नहीं था नाश्ते में पराठे के अलावा भी कुछ और होता है। वो तो मैंने एक दिन कॉलेज में रिया के साथ नाश्ता किया सर। तो रिया ने अपना लंच खोला, उसने बोला कि तुम क्या लाए हो? मैंने कहा भाई पराठे। मैंने कहा तुम कहती ब्रुशेटा। मैम उसका ब्रुशेटा सुन के मेरा पराठा फट गया। मेरा पराठा खुद टिफिन बॉक्स में वापस चला गया। एल्यूमिनियम फॉइल से लपेट रहा था खुद को, कह रहा ब्रुशेटा के सामने बाहर नहीं आऊंगा। तो अगली बार मम्मी ने पूछा क्या खाएगा, मैंने कहा ब्रुशेटा। मम्मी